ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्ति ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकान्त राधाकान्तनमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सो जैसा प्रभु जी बता रहे थे कि ये हफ्ता पिछले दो तीन दिन से और अगले हफ्ते तक बहुत सारा शुभ तिथि आ रहा है। नित्यानंद त्रयोदशी हो गया, अपना अद्वैत आचार्य का आविर्भाव दिवस, फिर मध्वाचार्य का तिरुभाव दिवस आज, फिर कल रामानुज आचार्य का दिवस, फिर वराह द्वादशी, एकादशी, वराह द्वादशी, फिर नित्यानंद त्रयोदशी, तो ऐसे लाइन में, और उसके पहले वसंत पंचमी भी हुआ ये हफ्ते में। तो ऐसे बहुत सारे उत्सव हम देख रहे इस ये पीरियड में आ रहा है हमारे वैष्णव गौड़िया वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से। तो इसे आज हम श्रील मध्वाचार्य का तिरुभाव का उत्सव मना रहे हैं। बहुत ही महान वैष्णव आचार्य, जैसा कि हम जानते हैं एक एक वैष्णव आचार्य होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे परंपरा को आगे लेकर जाने का। जैसे करके उदाहरण दिया जाता है, रिले रेस का उदाहरण दिया जाता है। जैसे रिले रेस में एक व्यक्ति भागता है और वो जो हाथ में लकड़ी या जो भी होता है उसको लेकर भागता है, और फिर एक समय के बाद दूसरा व्यक्ति उससे हैंड ओवर करता है, और फिर दूसरा व्यक्ति उसको लेकर उसको आगे भागता है, फिर तीसरा व्यक्ति उसको बैलेटन बोलते हैं। तो उसी प्रकार से उदाहरण दिया जाता है, जो वैष्णव आचार्य होते हैं वो भगवान की जो सेवा है, जैसे भगवान कृष्ण की सेवा है कि पृथ्वी चे आचार्य नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बो मोरो नाम, कि कैसे धर्म की स्थापना हो और किस तरीके से जो सनातन धर्म का प्रचार, हरि नाम का प्रचार, शुद्ध वैष्णव सिद्धांत, शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार सारे विश्व भर में चलते रहे। तो इसीलिए भगवान स्वयं इस भौतिक जगत में आते हैं जहां पर भी इम्बैलेंस होता है प्रचार कार्य में। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनः परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्टता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे। तो जहां पर भी धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ते जाता है तो उस समय पर भगवान कृष्ण स्वयं इस
भौतिक जगत में इंबैलेंस को सेटल करने के लिए और वापस से नॉर्मल जो रूटीन है, नॉर्मल साइकिल चलना चाहिए, उसके लिए भगवान आते हैं। और उसके बाद भगवान के जाने के बाद फिर भगवान उनका ही कार्य को आगे चलाने के लिए अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। और ये जो वैष्णव आचार्य होते हैं, ये भगवान के विशेष चुने गए शुद्ध भक्त होते हैं, जिनको भगवान ने एक मिशन के साथ उनको इस भौतिक जगत में भेजा है, ताकि हम सब लोगों को जो बार बार हमारा एक क्वालिटी है टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, जो कंडीशन सोल का एक विशेष क्वालिटी है इस भौतिक जगत में, वो है कि कीप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। जैसा कार में, जैसे रोड पे कार चलती है, सीधा सीधा चलती है, लेकिन फिर बहुत बार इधर उधर, तो हमेशा जो एक्सपर्ट ड्राइवर है उसको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कंट्रोल रख के उसको बराबर से उसको मैन्यूर करते रहना पड़ता है। अगर स्टीयरिंग व्हील सही नहीं है तो फिर डायरेक्शन पूरा बदल जाएगा। उसी प्रकार से हमारा जो लाइफ है वो भी एक जर्नी के समान है, हम ड्राइव कर रहे हैं हमारे जीवन को, तो उसमें कई बार जो डिस्ट्रैक्शन है, यहाँ वहां पर ऑफ टर्न लेना, ये बहुत ही नॉर्मल है। तो जो वैष्णव आचार्य आते हैं वो हमेशा आकर अपने जीवन से, अपनी शिक्षाओं से हमेशा हमें ब्रिंगिंग बैक ऑन ट्रैक, उनका मुख्य कार्य है, उनके संग से, उनकी शिक्षा से हमेशा हमको ट्रैक पर लाना चाहते हैं, कि हमको बार बार याद दिलाना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन में व्हाट इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, बार बार उसको एम्फेसाइज करके, व्हाट इज परमानेंट, व्हाट इज टेम्पररी, नित्य क्या है, शाश्वत क्या है और टेम्पररी क्या है, उसका एम्फेसिस बार 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 देकर हमको जीवन के सही रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं, जहां से हम, हमारा जो गोल है भगवान कृष्ण के नजदीक जाना और भक्ति का जो रास्ता है वो हमेशा वो इंश्योर करना चाहते कि मींस और गोल, ये दो चीज जो है ये कहीं पर भी मिस आउट ना हो जाए, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। तो कलयुग में गोल भी बदल सकता है और जो रास्ता है गोल तक पहुंचने का, द पाथ टू रीच द गोल, वो भी ढक सकता है या कुछ अलग ही कुछ रास्ता चालू हो जाएगा। तो इसलिए वैष्णव आचार्य हमेशा आकर ध्यान रखते हैं कि गोल सही है क्या, कि गोल ही बदल गया कलियुगा के डिस्ट्रैक्शन में, और गोल सही है लेकिन जो रास्ता है गोल तक पहुंचना वो बदल गया क्या। तो ये सब कीपिंग अ चेक एंड बैलेंस, ये महान वैष्णव आचार्यों का एक उत्तरदायित्व है, ये उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है और आसान नहीं है, बहुत एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि खासकर कलयुगा में जो होता है, बोलते हैं ना, इट्स लाइक स्विमिंग अगेंस्ट द करंट, नीचे गिरना बहुत आसान है, टू फ्लो विद द स्ट्रीम इज वेरी इजी, लेकिन कुछ अच्छा चीज करना है तो इट्स लाइक स्विमिंग अगेंस्ट द करंट, काफी एफर्ट डालना पड़ता है, काफी प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि जस्ट पानी के साथ फ्लो होना बहुत आसान है, तो इसलिए नीचे गिरना बहुत ओवरऑल सब जगह पर वैसे ही होता है, लेकिन हम संग में आकर भगवान की शिक्षाओं के बारे में, वैष्णव आचार्य के जीवन के बारे में चर्चा करके हम खासकर उनके आविर्भाव और उनके तिरोभाव दिवस के दिन उन आचार्यों का विशेष कृपा को प्राप्त करते हैं, जिससे हमें शक्ति मिले कि वो जो रास्ता हमें बता रहे हैं, जिसमें मींस और गोल इज केप्ट प्योर, वो रास्ते पर हम चलते रहे, और जहां पर भी हमारा यहां वहां पर थोड़ा डिविएशन हो गया है, डिस्ट्रैक्शन हो गया है, विच इज इनएविटेबल,
अनअवॉइडेबल है, 100% होगा ही डिस्ट्रैक्शन, लेकिन कमिंग बैक ऑन ट्रैक बार 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 बार, संघ का मुख्य लक्ष्य वही है कि बार बार हम आकर हम एक दूसरे को याद दिला रहे कि जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है और हमारा क्या चल रहा है। तो आज श्रील मध्वाचार्य का विशेष तिरुभाव दिवस है और आज के दिन हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं पद्म पुराण में बताया जाता है कि संप्रदाय विहीनास्ते मंत्रास्ते निष्फल मतः, कि जो भी हम भक्ति करते हैं, जो भी हम भगवान का नाम जब मंत्र को प्राप्त करते हैं, तो संप्रदाय विहीनास्ते, अगर सही संप्रदाय में अगर वो ज्ञान नहीं आ रहा है, सही गुरु से आचार्य से वो नहीं आ रहा है, तो फिर वो मंत्र और वो ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये जो संप्रदाय है ये स्वयं भगवान ने ऑथराइज किया है और वो ऑथराइजेशन से जो प्राप्त करता है उसी व्यक्ति को उसका फल मिलता है। जिस प्रकार कोई यूनिवर्सिटी से, मुंबई यूनिवर्सिटी ऑथराइज है, वहां से कोई डिग्री प्राप्त करते हैं तो उसका वैलिडिटी होता है। लेकिन अगर कोई अपना डिग्री, अपना कोई अपना यूनिवर्सिटी खोलेगा और वो बोलेगा चलो यहाँ से मैं डिग्री इश्यू करता हूँ, तो उसका मार्केट में कोई वैलिडिटी नहीं होता है। तो उसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी में भी वही बताया है कि जो संप्रदाय है वहां से अगर प्योर शिक्षाएं आ रही है और जो भगवान ने चुन कर रखा है, तो ये चार संप्रदाय कौन कौन से है? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय के श्री लक्ष्मी जी जो थी वो मेन श्री संप्रदाय से, और उसके जो आचार्य ठहरे वो रामानुज आचार्य। फिर रुद्र संप्रदाय जो भगवान ने शिवजी से एक लाइन चालू किया, उसके महान आचार्य विष्णु स्वामी। और फिर कुमार संप्रदाय जो ब्रह्मा जी के चार पुत्र चतुष कुमार और उसके आचार्य जो थे वो निम्बार्क आचार्य। और उसके बाद चौथा ब्रह्म संप्रदाय जिसके मुख्य आचार्य श्रील मध्वाचार्य। तो हम देखते हैं, अगर हमारा भगवद गीता में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के एंड में और पहला अध्याय शुरू होने के पहले हमारा पूरा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का लिस्ट है। और वो लिस्ट में अगर हम देखेंगे, कृष्ण से ब्रह्मा जी को एक ज्ञान मिला, फिर ब्रह्मा जी से फिर नारद मुनि, और नारद मुनि के बाद व्यासदेव, और व्यासदेव के बाद फिर श्रील मध्वाचार्य। तो ये जो है हमारे ब्रह्म संप्रदाय के जो मुख्य आचार्य वो श्रील मध्वाचार्य है। तो ये जो चार संप्रदाय से जब कोई ज्ञान मिलता है, जैसे भक्ति सिद्धांत को उदाहरण देते हैं कि कुएं से बाहर निकलना है तो चार रस्सी है, वो चार रस्सी में से कोई एक रस्सी को पकड़ेंगे तो उससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो सरस्वती ठाकुर उदाहरण देते हैं, ये भौतिक जगत एक कुएं में गिरने के समान है, और ये चार रस्सी जो है चार संप्रदाय है, तो कोई भी उस रस्सी को पकड़ेगा, चारों में से कोई एक रस्सी को, और उससे वो कुएं से बाहर निकल सकता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं एवं परंपरा प्रवक्तम इमाम राजऋषयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपः। हे अर्जुन, काल के प्रभाव से जो ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था और वो परंपरा में जो चल के आया वो नष्ट हो गया, इसीलिए मैं वापिस से शुरू कर रहा हूं। तो हम देखते हैं कि जो श्रील मध्वाचार्य थे वो हमारे ही ब्रह्म संप्रदाय में से एक महान आचार्य है, कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इस संप्रदाय में आने का विचार किया, जिससे जो पहले ब्रह्म मध्व संप्रदाय था, हमारा चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय में आने की वजह से ब्रह्म मध्व गौड़ीय शिष्य परंपरा, वो हम उनके साथ जुड़ जाते हैं।
तो हम सोच सकते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु को इतना प्रिय था कि वैसे इस संप्रदाय में वो आए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग संप्रदाय से दो दो चीज को चूज किया शिक्षाएं लेने का। तो मध्व संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने मायावाद खंडन और अर्च विग्रह की सेवा, डीटी वर्शिप और मायावाद खंडन, ये दो चीज चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य, ये ब्रह्म मध्व संप्रदाय से महाप्रभु ने उसको लिया। तो मध्वाचार्य के जन्म के बारे में कथा आती है कि उनके पिता का नाम बताया नारायण भट्ट। तो तकरीबन 7-750 साल पहले की बात है, उस समय पर तकरीबन मध्वाचार्य आए थे। तो बताया थे कि उनके पिता जो नारायण भट्ट थे, उनके दो पुत्र हुए और दोनों ही पुत्र बचपन में ही जन्म के बाद उन्होंने देह को त्याग किया। उनकी माता और पिता को बहुत बड़ा दुख लगा कि दोनों बच्चे जन्म होते ही उन्होंने शरीर को त्याग दिया। तो इसलिए बताते हैं कि 12 साल तक उनके पिता नारायण भट्ट और उनकी माता ने कठोर तपस्या किया और केवल दूध पिया 12 साल तक, और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई एक विशेष भगवान के शुद्ध भक्त को हमारे यहाँ पर घर में जन्म के लिए आप भेज दीजिए। तो कठोर तपस्या, भक्ति पूर्वक प्रार्थनाएं अर्पण करने के बाद बताया जाता है कि भगवान ने उनकी तपस्या और उनका भक्ति करके उनके साथ जो आदान प्रदान किया और उस समय पर एक पुत्र को उनके घर पे भेज दिया। तो बचपन में मध्वाचार्य का जो नाम था उसको वासुदेव करके बुलाया जाता था, और वहां पर अनंतेश्वर करके मंदिर है। अगर हम उडुपी में जाएंगे जहां पर श्री मध्वाचार्य जी का जन्म स्थान है, वहां पर पाजक क्षेत्र करके अगर हम जाएंगे उडुपी में, तो वहां पर इनका जन्म हुआ। तो माता पिता को पता चला कि भगवान ने स्वयं उनके साथ आदान प्रदान किया और उनकी जो भक्ति थी, उनकी जो तपस्या जो उन्होंने किया उसके साथ ये किया। तो बताया जाता है कि मध्वाचार्य स्वयं जो हनुमान जी जो त्रेता युग में थे और भीमसेन जो द्वापर युग में आए थे, और वही वायु के अवतार मध्वाचार्य वो कलयुग में आए। तो वही हनुमान जी, भीमसेन और मध्वाचार्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये तीनों इसमें अलग अलग अवतार में आए। और हम जानते हैं हनुमान जी भगवान रामचंद्र के शुद्ध भक्त थे, और भीमसेन स्वयं जो भगवान कृष्ण लीला के समय में इतना विशेष सेवा किया उन्होंने, और अभी मध्वाचार्य कलयुग में आए हैं। तो बचपन में बताते हैं कि जब वो छोटे से होते हैं तो उस समय पर एक कोई राक्षस था, वो एक सर्प सांप का रूप धारण करके मध्वाचार्य को मारने के लिए उनके घर में पाजक क्षेत्र उडुपी में वहां पर आते हैं, और मध्वाचार्य को आक्रमण करने के लिए जब आते हैं वो सांप उनके जो जैसा हम देखते हैं कॉइल्स, जो कालिया नाग था, भगवान कृष्ण को अपने कॉइल्स में अटकाने का प्रयास कर रहा था, उसी प्रकार से सांप जब मध्वाचार्य को ये करेंगे, तो मध्वाचार्य बताते हैं कि वहां पर उस सांप को इतनी शक्ति थी उनकी, निकट में वहां पर एक पत्थर था, उस सांप को लेकर इतना जोर से वो पत्थर के ऊपर उनको ऐसा आपट दिया कि पूरा वो सांप का जो इम्प्रिंट है उस पत्थर में ऐसा निशान आ गया पूरा, प्रैक्टिकली एकदम ऐसा ये कर दिया, और उस सांप को वहीं पर मार दिया। आज के दिन भी अगर हम पाजक क्षेत्र उडुपी में जाते हैं तो वहां पर इतने साल के बाद भी उस दीवार में वो जो इम्प्रेशन है मध्वाचार्य का उस सांप को मारना बचपन में, अभी भी
इतने साल के बाद भी भक्त लोग वहां पर जाकर उस जगह का दर्शन करते हैं और उस इस लीला को याद करते हैं जहां पर मध्वाचार्य ने ये लीला की थी। और फिर एक बार की बात है जहां पर उनके जो पिता होते थे, उनके पिता नारायण भट्ट एकदम सरल ब्राह्मण थे, कुछ ज्यादा उनके पास था नहीं, तो एक बार बड़ी उधारी उनके ऊपर आ गई थी, या वहां से उनके पास कुछ न होने की वजह से यहाँ वहां से उधार लिया था उनके पिता ने एक मनी लेंडर से, और उधारी काफी बढ़ गई थी, वो चुका नहीं पा रहे थे, तो बार बार वो जो मनी लेंडर था आकर उनको परेशान कर रहा था कि आप आकर जो है उधारी आप चुका दीजिए, नहीं तो आपको आपका घर और जो आपके पत्नी के गहने वो सब आपको बेचने पड़ेंगे, तो आप कृपया करके कुछ कीजिए करके उनको बार बार तकलीफ दे रहे थे। तो पिताजी को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा उधार है, अभी मैं क्या करूं, कैसे चुकाऊं, बड़े परेशान रहते थे। तो बालक जो वासुदेव, जो मध्वाचार्य जिनका नाम वासुदेव था, वो देख रहे थे अपने पिता को, बड़े दुखी थे। तो पिताजी से आके उन्होंने पूछा, पिताजी क्या समाचार है, मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ। पिताजी ने बोला, नहीं कुछ नहीं है, मैं संभाल लूंगा, आप क्या करेंगे, आप तो अभी छोटे बच्चे हो। लेकिन वासुदेव ने बोला, नहीं पिताजी बताइए क्या समस्या है। तो पिताजी ने बताया कि ऐसे ऐसे उधार मैंने लिया और अभी मैं चुका नहीं पा रहा हूँ, कृपया करके अभी मैं चिंतित हूँ, अभी मैं क्या करूँ। तो उस समय पर मध्वाचार्य वहां पर एक इमली का पेड़ होता है, इमली के पेड़ के नीचे जाते हैं और वो पेड़ के नीचे जो इमली का जो सीड्स है, टैमरिंड सीड, उसको सब जमा करते, वो जमा करके एक झोली में भर के लाते हैं और उस जो मनी लेंडर है उनको जाकर वो देते हैं इमली का जो सीड है उसको। और फिर वो जब वो झोली खोलकर देखता है, वो पूरा इमली का जो सीड है वो पूरा गोल्ड कॉइन्स में पूरा परिवर्तन हो जाता है, और वो बोलते हैं कि जो भी मेरे पिताजी ने आपसे उधार लिया था ये उसका 10 गुना ज्यादा उसमें होगा, ये आप रख लीजिए, आइंदा से मेरे पिताजी को आप जो है तकलीफ मत दीजिए। तो इस तरीके से मध्वाचार्य जो विशेष शक्त्यावेश अवतार भगवान के खासकर, इस तरीके से लीला करके उन्होंने अपने पिता की जो चिंता थी उसको उन्होंने मुक्त किया। और बताते कि जहां पर बचपन में यहां वहां कई बार बहुत दूर खेलने के लिए यहां वहां चले जाते थे, और फिर उनकी माँ चिंतित हो जाती थी कि बच्चा कहाँ पर है, तो लेकिन जहां पर भी माँ उनको आवाज देती थी, क्योंकि स्वयं वायु के पुत्र थे, तो जितना भी दूर रहते थे केवल एक जंप, एक उड़ी मारते थे और डायरेक्ट घर के अंदर प्रवेश करते थे। तो मां देखती थी कि एक क्षण में बाजू में कहीं पर भी वो नहीं है, लेकिन दूर से उड़ी मारकर प्रकट हो जाते, तो माँ बड़ी आश्चर्य हो जाती थी कि छोटे से बालक को देखकर कि ये विशेष पर्सनालिटी है, कि कहां से क्या कभी कर देगा कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बचपन से ही वो ऑर्डिनरी नहीं थे, मतलब है कि उनका जो एक बार कोई व्यक्ति 4,000 बनाना और 30 लीटर का दूध वो लेकर आए, और मध्वाचार्य भीमसेन के अवतार है, तो भीमसेन तो हमें पता ही है, भीम कर्मा वृकोदरा, वृकोदरा मतलब काम भी हेवी लोड करते हैं और खाना भी वैसे उनका हेवी लोड रहता है, तो हेवी ड्यूटी वर्क और उनका खाना भी हेवी ड्यूटी। तो देखते ही देखते जो वासुदेव मध्वाचार्य थे 4,000 बनाना और 30 लीटर दूध को ऐसे ही वो पी जाते हैं, मतलब विशेष एपेटाइट भीमसेन का हम जानते हैं, उनका शक्ति क्या है, 10,000 हाथी के जितना उनका शक्ति है, 10,000 हाथी के इतना शक्ति मतलब क्या, बताते हैं कि अगर आप लाइन में 10,000 हाथी को आप खड़ा कर दो और पहला हाथी को अगर
वो हाथ से ऐसा मारते थे तो पीछे लाइन में जो 10,000 हाथी जो खड़ा है, 10,000 एलिफेंट, वो नीचे गिर जाएगा। मतलब ये पहले को मारेंगे, वो पहला दूसरे पे गिरेगा, दूसरा तीसरे पे गिरेगा, ऐसा करके वो पूरा इफेक्ट में हो जाएगा। मतलब इतना शक्ति भीमसेन के पास हुआ करता था महाभारत के युद्ध के समय पर। तो उन्हीं के अवतार मध्वाचार्य, उतना शक्ति और इतना सामर्थ्य उनके अंदर। तो जैसे हम जानते हैं, सारे माता पिता अपने बच्चों को कुछ 5-6 के उम्र के बाद उनको गुरुकुल में, गुरु के आश्रम में भेजते थे सारी शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए, और साथ साथ ऑस्टेरिटी, कैसे इंद्रिय और मन के ऊपर संयम पाना है। तो ये हमारा संस्कृति था, जहां पर एक राजा का पुत्र हो चाहे गरीब का पुत्र हो, लेकिन जीवन की शुरुआत जो है गुरुकुल से होगा, जहां पर तपस्या और गुरु की नम्र सेवा, ये वहां का मेन टेनेंट्स हुआ करता था, और सारे बच्चों को वहां पर भेजते थे ताकि फाउंडेशन जो है जीवन का बहुत अच्छा रहे गुरुकुल में। तो यही इच्छा नारायण भट्ट और उनकी माँ ने किया, सोचा कि छोटे से बालक को हम गुरुकुल में भेजेंगे ताकि अच्छे से वो शिक्षा सीख कर आ सकते हैं। तो मध्वाचार्य, वो इतने बुद्धिमान है और उनको सब पहले से ही पता है, तो बाकी बच्चों की तरह बैठ कर वो पूरा सुनते नहीं थे। वो अपना अलग किताब पढ़ते थे या वहां पर जाते थे। तो उनके जो गुरु थे, टीचर को बड़ा गुस्सा आ रहा था, सोच रहे थे ये बालक अटेंशन नहीं दे रहे क्लास में, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, मैं कुछ सिखा रहा हूं और ये कुछ अपना ही कुछ पढ़ रहा है, यहाँ पर जा रहा है वहां पर जा रहा है। और थोड़े समय के बाद वो शिक्षक बहुत ही उनको बुरा लगता है, आकर मध्वाचार्य को बोल रहे कि तुम क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, अगर तुम्हारी पढ़ने की कोई इच्छा नहीं है तुम यहां से निकल जाओ, क्यों आप मेरा अपमान कर रहे हो। तो मध्वाचार्य ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं तो पूरा ध्यान दे रहा हूं, आप जो भी सिखा रहे हैं मुझे सब पता है। तो गुरु ने बोला, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या क्या मैंने सिखा बताओ। तो उस समय पर जो वासुदेव थे वो पूरा एक शब्द को भी छोड़े बिना जो भी टीचर ने उनको सिखाया एज इट इज वर्बैटिम, उन्होंने पूरा उसको रिपीट किया। और ये जब उनके गुरु ने सुना कि मैं सोच रहा था कि बच्चे ने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन एज इट इज वर्बैटिम पूरा उसको रिपीट कर दिया, तो गुरु एकदम आश्चर्यचकित हो जाते और ये कोई ऑर्डिनरी बालक नहीं। वो बोलने लगे उनके पिता को जाकर कि आपके बच्चे को तो स्कूल जाने का जरूरत ही नहीं है, ये कोई ऑर्डिनरी बालक नहीं है, ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बालक है, तो इनको स्कूल क्यों भेज रहे हो। यही लीला विशेष हमारे श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर के जीवन में भी ऐसी होता है कि वो स्कूल में बैठकर नरोत्तम दास ठाकुर और अलग अलग आचार्यों का अलग अलग किताब पढ़ रहे थे, और उनके शिक्षक ने आकर उनको बोला, अरे आपका ध्यान नहीं है बिल्कुल, जो सब्जेक्ट हम सिखा रहे हैं आपको, भूगोल, इतिहास, गणित, उसमें आप ध्यान नहीं दे रहे हो। सरस्वती ठाकुर ने बोला, नहीं मेरा ध्यान दोनों जगह पर है, वहां पर भी मैं सुन रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अपना भक्ति शास्त्र का। और फिर जब शिक्षक ने पूछा तो वो पूरा बताने लगे क्या क्या आपने सिखाया क्लास में, एक शब्द भी मैंने मिस नहीं किया। तो पैरेलल प्रोसेसिंग वहां पर भी चल रहा है और यहाँ पर भी चल रहा है, तो कितने ब्रिलियंट थे। तो उसी तरह मध्वाचार्य, भक्तिवत्सल ठाकुर, ये दोनों आचार्यों का एक सेम क्वालिटी, गुरुकुल में रहकर वो पूरा पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे थे, मेटेरियल एजुकेशन का भी जो था वो भी सुन रहे थे, कि साथ में अपना जो भक्ति शास्त्र का जो पढ़ना है उसको भी वो पढ़ रहे थे और पूरा उनको ये कर रहे थे। तो
उसके बाद एक दिन बताते हैं कि मध्वाचार्य ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे प्रचार करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि उस समय पर जो शंकराचार्य का जो मायावाद का जो शिक्षा था वो पूरे भारत भर में काफी प्रोमिनेंट हो चुका था। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई वैष्णव होते हैं वो जब भी मायावाद की शिक्षा को सुनते हैं, मायावाद की शिक्षा अर्थात हम और भगवान, हम दोनों एक है, हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो सबसे ज्यादा दर्द वैष्णव को होता है जब वो ये सुनते हैं। तो ये हम जानते हैं कि भगवान की इच्छा से ही पूरा वो एक समय पर जब बुद्धा आए थे और वेद के नाम पर बहुत सारा प्राणियों को मारा जा रहा था, तो भगवान बुद्ध के अवतार में आए और उन्होंने बोला कि वेद को उन्होंने पूरा साइड कर दिया और फिर कहा मुझे फॉलो करो, अहिंसा परो धर्म। फिर वापिस से वेद को ट्रैक में लाना था, फिर शंकराचार्य जी आए और फिर शंकराचार्य जी ने मायावाद का पूरा प्रचार सब जगह पर किया और फिर उसके बाद फिर मध्वाचार्य आते हैं। और तभी मध्वाचार्य का मुख्य बचपन से ही उनको इच्छा होती है कि कब मैं संन्यास लूंगा और कभी मैं मायावाद के विरुद्ध खंडन करूंगा। इसलिए मध्वाचार्य का अगर हम पोस्ट देखेंगे तो हमेशा उनका हाथ में, हाथ का जो ऐसा दो उंगली है ऐसा हमेशा रहता है, दो दो अर्थात जीव और भगवान, ये दोनों अलग है, शंकराचार्य का एक, हम सब एक है, लेकिन मध्वाचार्य का था दो, ऐसा करके उनका ये था। तो वो अपने पिता को बोल रहे थे कि मुझे जो है मायावाद, तो उनके हाथ में एक डंडा था, एक बालक के जो एक छोटे से बालक के रूप में आए तो खेल रहे थे, खेल कर आए थे तो हाथ में एक डंडा था उनके, तो डंडे को उन्होंने पिताजी के पास में ऐसे पकड़ा था और बोल रहे थे कि मुझे जो है सब जगह पर मुझे प्रचार करना है और मायावाद को पूरा खंडन करना है। तो पिताजी बोले कि इतना आसान नहीं है, आप क्या बोल रहे हो, ऐसा करके पिताजी ने बोला, अगर ये डंडा है आपका, ये डंडे से अगर आप एक पेड़ को खड़ा कर सकते हो, अगर ये डंडे को आपने पृथ्वी में बोया और अगर उससे एक पेड़ निकलेगा तब जाकर कुछ ऐसा संभव हो सकता है। अर्थात पिताजी ने बोला इम्पॉसिबल है, हाँ ये डंडे से पेड़ नहीं निकल सकता है। उसी तरीके से मायावाद को अपरूट करना ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि सब जगह पर बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस उसका हो चुका है पूरे भारत भर में और इतने पावरफुल लोग मायावाद का प्रचार कर रहे, तो उसको वाइप आउट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन मध्वाचार्य का बहुत ही तीव्र इच्छा था कि उनको करना था, तो उन्होंने क्या किया, उस डंडे को उधर बाहर जाकर बगीचे में गाड़ा, गाड़ने के बाद उसको मिट्टी से कवर किया, कुछ दिन में देखते ही देखते उसमें से एक विशाल पेड़ आ गया। जब उनके पिता ने देखा उस चीज को तब उनके पिता को पता चला कि ये जो मेरा पुत्र है वास्तव में आगे भविष्य में चल के जो ये कह रहा है ये वास्तव में ये करके दिखाएगा। तो उस समय पर उनके उसके पिताजी को एक हिंट मिल गया था कि ये ऑर्डिनरी बालक नहीं है, वास्तव में ये जो वैष्णव सिद्धांत को प्रचार करने के लिए ही ये यहाँ पर जन्म लिया है। इसी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मायावाद ले भाष्य ले सुनी ले होइलो सर्वनाश। जो भी व्यक्ति मायावाद का भाष्य सुनता है तो उस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो भक्ति का हमारा जो हार्ट है, भक्ति का हार्ट क्या है, कृष्ण की सेवा करना, वैष्णव की सेवा करना, ये भक्ति का हार्ट है उसके टीचिंग्स में से। और जब मायावाद को स्वीकार करते हैं तो उसमें
ये जो सेवा करने का जो स्पिरिट है वही पूरा समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेवा करने के लिए दो जन चाहिए, भक्त और भगवान। लेकिन अगर हम दोनों एक है तो फिर कौन किसकी सेवा करेगा, हम सब एक है। तो ये जो मुख्य भक्ति का जो हार्ट है सेवा, उसी को पूरा तोड़ता है। तो इसीलिए भक्त को कभी भी मायावाद का जो सिद्धांत है उसको कभी भी उसको पसंद नहीं आता है। इसलिए प्रभुपाद जी भी हम देखते हैं निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में प्रभुपाद पाश्चात्य देश गए और उन्होंने क्या किया, निर्विशेष और शून्यवादी। शून्यवादी अर्थात जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है, ये सब कुछ शून्य है, जीरो, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या सब कुछ जीरो। और फिर उनका जीरो और फिर शंकराचार्य जी का वन, निर्विशेष, सब कुछ एक है। तो प्रभुपाद जी का मुख्य हम देखते हैं कि अपने प्रचार के दौरान कई सारे प्रभुपाद बुद्धिस्ट को मिले, मायावादी को मिले, और उनके साथ शास्त्र के आधार पर काफी उनके साथ प्रभुपाद ने वाद विवाद किया और उनको बताया कि किस तरीके से जो भक्ति है, भक्त, भगवान और भक्ति, ये तीनों जो है यही वास्तव में सच्चाई है। और मायावादी अगर कोई सुनेगा तो उसका जो है हृदय पूरा दूषित हो जाएगा और कभी भी वो अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। और अलग अलग लोगों के साथ प्रभुपाद ने बहुत सारा वाद विवाद करके कई लोगों को प्रभुपाद ने मायावाद के तो बताते थे कि वो क्रोकोडाइल की तरह है, वहां से कोई मायावाद उसमें फंस गया, मतलब क्रोकोडाइल के जाल में फंसने जैसा, और वहां से बचा कर प्रभुपाद ने उनको छुड़ा कर शुद्ध कृष्ण भक्ति का शिक्षा उनको दिया। तो फिर मध्वाचार्य सोच रहे थे कि उनको संन्यास लेना था, लेकिन उनके जो माता पिता थे वो तैयार नहीं थे, क्योंकि दो बच्चे बचपन में ही थे और 12 साल तपस्या करने के बाद, केवल दूध पीने के बाद ये छोटे से बालक का जन्म हुआ था। अब ये बालक भी उम्र के 11 साल में बोल रहा है कि मुझे अभी संन्यास लेना है, तो माता पिता को बड़ा बुरा लग रहा था कि वो बोल रहे थे नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। वो परमिशन दे ही नहीं रहे थे। लेकिन मध्वाचार्य ने कहा कि आप कृपया करके मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, आप देंगे नहीं देंगे, मुझे तो संन्यास लेना है और मुझे पूरे विश्व भर में भक्ति का प्रचार करना है, तो आप अगर मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं खुशी खुशी संन्यास लूंगा और बीच बीच में आकर आप लोग को भी मिलूंगा, नहीं तो आप आशीर्वाद नहीं देंगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा, फिर कभी भी आप मुझे जीवन में देख नहीं पाएंगे, ऐसा करके वो बोलते। और फिर माता पिता चाहते ना चाहते भी वो पहले सोच रहे थे कि मध्वाचार्य का शादी करा दे, ऐसे करके उनका एक प्लान था, लेकिन फिर सोच रहे थे उनका शादी कराने का, लेकिन मध्वाचार्य कभी उस समय पर वो वहां से घर से निकल जाते हैं और उनके गुरु की तलाश में वो जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं और 12 साल की उम्र में वो संन्यास लेते हैं। तो इसलिए आज के तारीख में भी हम अगर उडुपी में जाएंगे, उडुपी के जो मध्वाचार्य का जो मठ है वहां पर अगर हम जाते हैं तो बताते हैं कि वहां पर 7, 8, 9 साल की उम्र में वहां पर संन्यास दिया जाता है। तो खासकर जो एक पेजावर स्वामी करके जो विशेष हमारे इस्कॉन के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध है, विशेष करती अभी हाल ही में 1-1.5 साल पहले उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया, 7 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास दिया था, 90 ईयर्स तक वो यहाँ पर रहे थे। तो पेजावर स्वामी इस्कॉन को काफी गुणगान करते थे, वो बोलते थे कि प्रभुपाद जी ने विश्व भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया,
जो हम जिसके बारे में हमारे आचार्य हमारे किताबों में लिखते हैं कि प्रचार करना कितना महत्वपूर्ण सेवा है, तो मध्वाचार्य के इसमें बताते हैं कि कोई भी सन्यासी समुद्र को पार करके नहीं जाएगा बाहर। क्यों? क्योंकि हम जिसका संग करते हैं उसके हिसाब से हमारी चेतना का परिवर्तन होता है। तो अगर कोई बहुत पापी लोग का संग करेगा तो फिर उसकी जो चेतना इसके साथ आ जाएगा। सब कुछ वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड होता है, जिसका संग करते उसका वाइब्रेशन हमको आएगा। तो इसलिए हमेशा केयरफुल रहते थे कि विदेश में जाएंगे और पापी लोग का संग करेंगे तो उनका वाइब्रेशन से इनका भी पतन हो सकता है। इसीलिए कोई भी कभी भी समुद्र को पार करके बाहर जाने का वो सिस्टम ही नहीं है। तो पेजावर स्वामी बता रहे थे प्रभुपाद जी ऐसे महान आचार्य थे जो अकेले जाकर उन्होंने विश्व भर में प्रचार किया। तो वास्तव में वो कोई भगवान के महान भेजे गए भक्त है, नहीं तो ये काम कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो ऐसे पेजावर स्वामी जो करंट सन्यासी थे और मध्वाचार्य के इसमें एक सिस्टम जो मध्वाचार्य ने शुरू किया था कि जो उडुपी कृष्ण का जो सेवा है 8 सन्यासी वहां पर रहता है और पर्याय होता है। तो हर 2-2 साल में एक एक फैमिली जो सन्यास उनका है उन लोग उसका पूरा ध्यान रखते, ऐसा करके वहां पर सिस्टम उन्होंने चालू किया। तो मध्वाचार्य वहां से जाते हैं और अच्युत प्रेक्ष को मिलते हैं और उनसे सन्यास लेते हैं। और अच्युत प्रेक्ष वास्तव में वैष्णव रहते हैं, लेकिन क्योंकि उस समय पर मायावादी का इतना प्रचार और इतना स्ट्रांग होता है तो बाहर से दिखाने के लिए वो मायावाद के उसमें वो सन्यास लेते हैं, लेकिन अंदर से वो वैष्णव होते हैं। तो केवल डर के वजह से बाहर से वो अपने आप को मायावाद ऐसे करके वो घोषित कर रहे थे जो अच्युत प्रेक्ष थे, और उन्होंने भी एक दंड सन्यास। तो जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो त्रिदंडी सन्यास होती है, और जो मायावादी केस में जो सन्यास होता है वो एक दंड सन्यास, क्योंकि हम और भगवान एक है तो फिर एक दंड। और वैष्णव केस में जो होता है त्रिदंडी सन्यास, तो इसलिए हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जब सन्यास लिया केशव भारती महाराज से तो उनको एक दंड सन्यास मिला होता है, लेकिन नित्यानंद प्रभु देखते हैं कि अरे ये क्या है, तो उसको एक को 3 में करते हैं। वैष्णव सन्यास में त्रिदंडी सन्यास दिया जाता है। त्रिदंडी सन्यास अर्थात हमारा वाणी, हमारा मन और हमारा शरीर तीनों की भगवान की सेवा में हम लगाएंगे, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। तो इसीलिए उसका त्रिदंडी सन्यास बताते हैं जिससे उसको ये कर लिया जाए। तो बताते हैं कि सन्यास लेने के बाद मध्वाचार्य इतना सब जगह पर जाकर वो प्रचार कर रहे थे और पूरा सब जगह पर बहुत फियर्स प्रचार कर रहे थे और कंटिन्यूस कृष्ण कथा के बारे में उनका गुणगान कर रहे थे। तो एक व्यक्ति बहुत खुशी थे मध्वाचार्य से, तो आकर मध्वाचार्य को बोल रहे थे कि आप रुको, आप क्यों ऐसा सब कथा कर रहे हो, इतने लोग आपके कथा से प्रभावित हो रहे हैं। तो हमेशा वो मध्वाचार्य को रोकने का प्रयास करते थे। तो मध्वाचार्य वो कंटिन्यूस कथा करते थे, सुनते नहीं थे। तो ये व्यक्ति एक दिन आकर मध्वाचार्य का से गला दबाने का प्रयास कर रहे हो ताकि वो रुके, लेकिन वो एक साइड से गला दबा रहे लेकिन मध्वाचार्य को थोड़ा भी कुछ असर नहीं पड़ रहा है। वो कथा पे कथा किए जा रहे, कथा पे कथा किए जा रहे, कथा पे कथा किए जा रहे। ये व्यक्ति को इतना अपमानित लगता है, बाप रे गला दबाने का प्रयास कर रहा है, व्यक्ति को कुछ हो ही रहा है। और आसपास से और लोगों को लेके आता है, इनके गले में रस्सी डालता है फांसी के फंदे की तरह। वो रस्सी डाल के 10-20 लोग मिलकर
उसको खींच रहे, ये अपेक्षा से कि ये रुके, अतः इनका रुक जाए, लेकिन कुछ थोड़ा भी उनके आवाज में रुकना तो छोड़ना दूर की बात है, लेकिन थोड़ा भी वो जो वॉइस का जो चेंज तक है उतना भी आता नहीं है। देखते ही देखते सब लोग शॉक हो जाते हैं कि ये कौन व्यक्ति है, इनका शक्ति क्या है, इतना भी हम प्रयास कर रहे इनका हरी कथा को रोकने का, लेकिन थोड़ा भी उत्साह में कमी नहीं है और कंटिन्यूस कथा करते जा रहे। तो ये बहुत ही शॉक हो जाते हैं व्यक्ति, और मध्वाचार्य को फिर वो शरणागति कर देते हैं। फिर एक समय मध्वाचार्य सोचते हैं कि मैं अपने जो परम गुरु है श्रील व्यासदेव, जो सारे शास्त्र के स्वयं लिखित आचार्य है, उनको मुझे जाकर मिलना है, उनका आशीर्वाद लेना है, उनका दर्शन करना है। लेकिन व्यासदेव वो कहाँ रहते हैं, आदि बद्री में, तो आदि बद्री तक पहुंचना, ये बद्रीनाथ में जहां पर अभी है उसके भी एकदम ऊपर, मतलब वहां तक पहुंचना ये कोई साधारण व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच सकता है, बहुत ही ऊपर 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 रहता है। लेकिन मध्वाचार्य सोचते हैं कि मैं जो है जाऊंगा आदि बद्री में और अपने गुरु व्यासदेव को मिलूंगा और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। तो ये उनके जो शिष्य होते हैं वो भी बोलते हैं, गुरुदेव मैं भी आपके साथ आऊंगा। लेकिन मध्वाचार्य उनको बोलते हैं कि ये आसान नहीं है, आप आ नहीं सकते हो मेरे साथ। क्यों? क्योंकि एक समय के बाद वहां पर आगे चलते चलते जाना ये बहुत ही कठिन है, तो आप कृपया करके आप मत आइए, क्योंकि आप आगे पहुंच नहीं पाएंगे, आपको बहुत तकलीफ होगा। लेकिन फिर भी ये जो सत्य तीर्थ उनके गुरु होते हैं वो बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ गुरुदेव, कृपया करके मुझे आप आपके संग से दूर मत कीजिए, मैं जरूर आऊंगा, जितना हो सके मैं प्रयत्न करूंगा आपके साथ आने का। तो ऐसा करके वो ये करते हैं, ठीक है, दोनों निकलते हैं। चलते 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 जैसा कि हम जानते हैं हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से फिर ऊपर ऊपर जैसे ही जाते हैं देवप्रयाग और फिर बद्रीनाथ आगे आता है, वहां पर बद्री विशाल जी का वहां पर दर्शन होता है, बद्री विशाल जी का आशीर्वाद वहां पर उनसे प्राप्त करते हैं, और फिर वहां से और आगे हिमालय, हिमालय इतना बड़ा है, इतना विशाल पहाड़ है, कहाँ पर शुरू होता है कहाँ पर समाप्त होता है वो पता ही नहीं चलता है। जो भी लोग चार धाम यात्रा में गए हैं तो हिमालय के सबसे ऊपर वहां पर आदि बद्री है, तो वहां तक पहुंच सकते हैं। एक तो इतना ठंडी बर्फ और कुछ भी दिखाई नहीं देता है, आज के तारीख में भी ऊपर तक जाना मतलब कठिन है, लेकिन उस समय तो और भी इतना जंगल और उससे गुजर के जाना असंभव वास्तव में था। तो दोनों निकलकर बद्री विशाल का दर्शन करके और आगे 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 जाते, और पूरा वातावरण अलग और पूरा जंगल का रास्ता पूरा पता नहीं चल रहा है कैसे आगे जाना। और मध्वाचार्य वायु पुत्र है वो तेजी से आगे बढ़ रहे, लेकिन उनके शिष्य जो सत्य तीर्थ थे एक समय के बाद जैसे मध्वाचार्य पहले ही गए थे कि आप नहीं चल पाएंगे उतना लंबा, उनको बहुत तकलीफ होने लगा। अभी वो सोच रहे थे अभी मैं आगे जा भी नहीं पाऊंगा मध्वाचार्य के साथ, और पीछे जो हमारा कैंप है बाकी भक्त लोग जो नीचे रुके हैं वो लोग भी बहुत दूर है, तो अभी मैं क्या करूं। तो उस समय के बाद मध्वाचार्य ने देखा इनकी हालत, और मध्वाचार्य ने अपना चादर लिया और ऐसे ऐसे घुमाया, और देखते देखते वो शिष्य वहां से उड़कर सीधा जो भक्त लोग खड़े थे वो कैंप तक वो पहुंच गए सेफली, और मध्वाचार्य आगे आगे चलते चलते
कई दिन तक वो आगे चलते हैं और उस स्थान पर पहुंचते हैं व्यास गुफा, जहां पर व्यासदेव बैठकर सारे शास्त्रों की रचना कर रहे हैं। और जैसे ही वहां पर माँ सरस्वती का नदी है वहां पर बहती है, सरस्वती मैया का आशीर्वाद देने के बाद वहां पर मध्वाचार्य व्यासदेव को मिलते हैं। बहुत ही विशेष जगह, पूरा स्पिरिचुअली चार्ज्ड जगह, हम सोच नहीं सकते हिमालय के तट पर वहां पर सरस्वती के सानिध्य में सारे शास्त्रों के जो ओरिजिनल राइटर भगवान कृष्ण के सत्यावेश अवतार व्यासासन, जो व्यासदेव के ऊपर से हम बोलते हैं व्यासासन पर बैठकर कथा करना, तो सारे वेद इतिहास पुराण रामायण महाभारत सब कुछ व्यासदेव ने लिखा है, उनके साक्षात सानिध्य में बैठे हैं और मध्वाचार्य ने उनको दर्शन किया, देखकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और मध्वाचार्य व्यासदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और मध्वाचार्य बोलते हैं कि ये मैं वेदांत सूत्र के ऊपर एक टीका लिखा है, क्या करके उसको पढ़िए, मुझे बताइए ये जो मैंने लिखा है ये सही है या इसमें कोई त्रुटि है। व्यासदेव सब कुछ देखते हैं और लिखने के बाद, देखने के बाद उसके ऊपर अपना सिग्नेचर करके उनको देते हैं, तो जो लिखा है मध्वाचार्य 100% करेक्ट है, कृपया करके आप जाइए और शुद्ध भक्ति का प्रचार कीजिए, करके उनको आशीर्वाद देते हैं। और मध्वाचार्य बहुत ही खुश हो जाते व्यासदेव को मिलने के बाद, और उनका जो इच्छा था कि अभी मायावाद के अगेंस्ट में जाकर सब पूरे भारत भर में विश्व भर में जहां पर भी मायावाद का प्रचार हुआ है अभी वहां पर जाकर मुझे शुद्ध भक्ति का प्रचार करना, तो व्यासदेव जी ने भी उनको आशीर्वाद दिया। उन्होंने जो बुक लिखा है कमेंट्री वेदांत सूत्र उसका भी उन्होंने अप्रूवल दे दिया। वो सब लेने के बाद वो रिटर्न वहां से वो फिर आ जाते हैं नीचे। तो उस समय पर बताते हैं कि एक दिन जब मध्वाचार्य वहां पर उडुपी में वहां पर रुके हुए थे, तो उस समय पर वो देखते हैं वो एक समुन्द्र है वहां पर, तो वहां पे एक नाव, बहुत बड़ा एक शिप होता है, वो शिप वहां पर फंसा हुआ है और लोग बहुत ही चिंता में है वहां पर, वो नाव फंसी हुई है, उसमें लाखों का सामान है, बहुत सारे लोग है उसमें, कुछ तरीके से निकल नहीं पा रहे और सब लोग मदद के लिए वहां पर चिल्ला रहे थे, कृपया करके हमें बचाइए, कृपया करके बचाइए, ये नाव हमारा निकल नहीं रहा है यहाँ से। तो उस समय पर मध्वाचार्य वहां पर होते हुए देखते हैं कि क्या हो गया, तो पता चला कि ऐसे ऐसे लोग मुसीबत में है, उनको बचाना है। मध्वाचार्य उनका जो शॉल है वो शॉल को लेकर ऐसे ऊपर हवे में जोर से ऐसा घुमाते हैं, जोर से हवा आती है और वहां से वो शिप को पूरा खींच कर जो तट पे उडुपी के जो मालपा बीच है वहां पर उस तट में वो आते हैं और सब लोग सुरक्षित, सामान और लोग सब सुरक्षित आ जाते हैं। सब लोग मध्वाचार्य के साथ पर गिरते हैं और बोलते हैं कि आपको जो चाहिए हम दे सकते हैं, कृपया करके आपको जो मांगना है ऐसे मांगिए, हमारा जीवन सब खतरे में था, आपने हमारा जीवन को बचाया, जो भी आपको इच्छा है भेंट के स्वरूप में कृपया करके आपसे मांगिए। मध्वाचार्य ने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान का कृपा है मेरे साथ, भगवान की स्मरण शक्ति है, हमेशा याद करता हूँ, उससे बड़ा और ये जीवन में अनुग्रह क्या हो सकता है, भगवान का स्मरण करना जीवन में सबसे बड़ा अनुग्रह है, वो मेरे पास है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपका नाव द्वारका से आ रहा है, तो अगर वहां पर द्वारका का कोई गोपी चंदन अगर आपके पास है तो वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो लोग देखते हैं, तो उन्होंने उस बोशिप को बैलेंस करने के लिए दो जगह पर
ये गोपी चंदन का एज अ वेट, उनके लिए तो वो वेस्ट था, तो ऐसा दो लकड़ा बड़ा बड़ा उन्होंने बोल्डर दोनों एंड में रखा होता है उस शिप को बैलेंस करने के लिए, तो वो वास्तव में वो गोपी चंदन का था। तो उसको वो बोलते हैं कि हमारे पास ये दो पड़ा है, लेकिन हम लोग तो इसको ऐसा एज अ वेट लिफ्टिंग उसके लिए वो बैलेंस करने के लिए हमने लाए थे, आपको ये चाहिए? तो बोलते हैं हाँ ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा करके। तो उसको उठाने के लिए 30 लोग मिलकर आते हैं, तो कितना बड़ा दो चंदन का लकड़ा, 30 लोग मिलकर उठाने का प्रयास करते हैं उस एक चंदन के लकड़े को, लेकिन कोई उसको हिला नहीं पाता, इतना वो वजन होता है। मध्वाचार्य से एक हाथ में उसको उठाकर चलते हैं आगे, और कुछ समय के जब बाद जब क्रैक होता है वो चंदन, उसमें से बहुत ही सुंदर भगवान कृष्ण का विग्रह निकलता है। तो आज अगर हम उडुपी जाएंगे तो विशेष जो विग्रह उडुपी का जो फेमस भगवान कृष्ण है, उडुपी कृष्ण, ये वही विग्रह है जो भगवान विशेष उस गोपी चंदन से प्रकट होते हैं और मध्वाचार्य के हाथों से उस विग्रह को वहां पर प्रतिष्ठा किया जाता है। तो इस विग्रह की कथा भी बहुत विशेष है। तो बताते हैं कि एक बार माता देवकी जो होती है वो भगवान कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण मैं इतनी दुर्भागी हूं कि आपने जो बचपन में इतना सुंदर लीला किया है वो सब कुछ आपने वृंदावन में किया, और मैं और वसुदेव जो थे हम लोग मथुरा में ही जेल में थे। तो एक माँ का जो हृदय होता है हमेशा अपने बच्चे का, खासकर जो बचपन की उसकी लीला होती है उसको देखने का, बच्चे को पालना पोसना, ये इच्छा रहती है हर माँ को। लेकिन कृष्ण आपने तो पूरा बचपन का विशेष लीला जो भी आपने किया, राक्षसों को मारने का, गाय को चराने का, माखन चोरी करने का, ये सारा लीला आपने वृंदावन में किया, तो मैंने उसको मिस किया, तो आपको जस्टिस करना पड़ेगा, मुझे भी आपको पूरा लीला आपको मुझे दिखाना पड़ेगा, कृपया करके आप सारा लीला मुझे दिखाइए, ऐसा करके माता देवकी कृष्ण को बोलते हैं। भगवान कृष्ण पूरा बाल स्वरूप धारण करके माता देवकी को वो पूरा लीला जो उन्होंने यशोदा माई के साथ किया था वो पूरा उनको दिखाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जो भी वृंदावन की सुंदर सुंदर लीलाएं होती है वो देखने के बाद माता देवकी बहुत ही आनंदित हो जाती है। उस समय पर भगवान की जो रानी है रुक्मिणी, उन्हें पता चलता है कि भगवान कृष्ण ने माता देवकी को पूरा बचपन का लीला को दिखाया। तो उस समय पर रुक्मिणी आकर बोलती है, हे कृष्ण आपने माता देवकी को आपका पूरा बाल्य लीला दिखाया, मुझे भी वो देखने की इच्छा हुई है, मुझे भी दिखाओ। तो भगवान कृष्ण बोले, अरे माँ को दिखाना अलग बात है, उनका वात्सल्य भाव है, बचपन का लीला है, लेकिन तुम्हें मैं कैसे दिखाऊं? उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो काफी बार रुक्मिणी उनको बोल रही थी कृपया करके आप मुझे ये कर दीजिए, तो भगवान कृष्ण ने उसके लिए स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनको केवल संतुष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण ने ये जो विग्रह थे बाल स्वरूप बालक गोपाल का, जो कृष्ण का जो विशेष अर्चन विग्रह को अपने हृदय से उसको स्थापना निकालकर माता रुक्मिणी के हाथ में दे दिया, तो वो विग्रह को माता रुक्मिणी एज एन एपिटोम के भगवान कृष्ण का जो बाल स्वरूप है उसका पूजा करने के लिए हमेशा वो रूपी कृष्ण का जो विग्रह है वो उसको पूजा कर रही थी, और फिर अंत में वो विग्रह को
माता रुक्मिणी ने उसको फिर सही कालांतर के बाद वहां पर गोपी कुआं करके जगह है वहां पर उनको डाल दिया गया था, और फिर गोपी चंदन से वो पूरा ढक गया था वो विग्रह, और वही विग्रह अभी मध्वाचार्य के हाथों से अभी वापिस से पुनः प्रकट हो गए, और वहां पर बहुत सुंदर मंदिर जो हम अभी देख रहे हैं उडुपी कृष्ण का, कनकदास करके बहुत विशेष भक्त भी आए जो शूद्र परिवार से थे जिनको अंदर मंदिर के अंदर जाने का अनुमति नहीं दिया था वहां पर, क्योंकि बोल रहे थे आप ब्राह्मण नहीं है, आप शूद्र है, आप अंदर जा नहीं सकते हैं। बाहर बैठकर बड़े भक्ति भाव से उडुपी कृष्ण के लिए बहुत सुंदर सुंदर भजन इत्यादि वो गा रहे थे, तो बताते हैं कि उनको अंदर जाने नहीं दिया, तो भगवान उडुपी कृष्ण कनकदास जहां पर बैठे थे पूरा घूमकर टर्न होकर पूरा वो वहां पर उनको दर्शन देने लगे, और फिर सारे पुजारी को पता चला अरे हमारे डीटी विग्रह पूरा घूम गए कहां पर, कौन सी दिशा में, और बाहर जाकर देखा तो जिस दिशा में कनकदास बैठकर भगवान कृष्ण का प्रेम से भजन गा रहे थे उस दिशा में वो घूम गए, और उस समय पर सारे पुजारी को पता चला कि हालांकि शूद्र परिवार में आए लेकिन इतने महान भक्त है कनकदास, और हम इनको भगवान के मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे उडुपी कृष्ण को, उनके पास जाकर उनसे दंडवत किया और उनसे क्षमा मांगा, कृपया करके आप जो है हमें क्षमा कर दीजिए कि हमने इतना बड़ा पाप किया और भगवान ने ऐसा एक लीला किया है। तो फिर उडुपी कृष्ण का सेवा पूजा चालू हो गया मध्वाचार्य की कृपा से, हजारों लाखों लोग आकर भगवान कृष्ण की सेवा पूजा करने के लिए आरंभ चालू किए। उस समय पर मध्वाचार्य की इच्छा होती है कि और एक बार बद्रीनाथ जाकर अपने गुरु व्यासदेव को मिलकर आए, समय हो गया तो सेकेंड टाइम वो सोच रहे थे कि मैं जाकर आता हूँ, दूसरी बार फिर से वहां पर गए, मतलब जा रहे थे वहां पर एक राजा होते हैं, वो राजा का एक कार्य वो कर रहा था कि जो भी सोचे थे उनसे वो काम कराता था कुछ समय के लिए कुछ दिनों के लिए, एक टारगेट हर एक पिलग्रिम को देता था वहां पर खोदने का जो भी काम था वो वहां पर सारे यात्रियों से कराता था, जाते थे तीर्थ यात्रा की और कई सचिवे थे मध्वाचार्य भी जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ बद्री विशाल का दर्शन करके आगे गुरु से मिलने के लिए, तो ये राजा के सिपाहियों ने उनको रोका और कहा कि जो भी यात्री यहाँ से जाता है सबको वॉलंटरी सर्विस यहाँ पर करना पड़ता है कुछ दिनों के लिए, ये टारगेट है इसको पूरा करके आपको जाना। तो मध्वाचार्य उनको बोले कि किसका नियम है, तो बोले राजा ने बोला, बोले कि राजा को बुलाइए, राजा को पहले मुझे सिखाना पड़ेगा कैसे खोदना है क्या खोदना है, जब राजा स्वयं सिखाएगा तब मैं ये कार्य करूंगा, तो मैं ये नहीं करूंगा। लोग भी एकदम आश्चर्यचकित हो गए, आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा, ये पहला व्यक्ति है जो बोल रहा है राजा को स्वयं आना पड़ेगा सिखाने के लिए। तो फिर राजा तक संदेश भेजा, राजा स्वयं आए और मध्वाचार्य ने कहा कि आप सिखाइए, आप लोग ने ये नियम बनाया कि आपके लोग को वॉलंटियर सर्विस करना पड़ेगा और ये पूजन है सब करना है, तो आप लोग बताइए श्रेष्ठ, जब आप लोग श्रेष्ठ लोग हैं लीडर लोग हैं आप सिखाएंगे तो फिर हम लोग फॉलो करेंगे। इस तरीके से राजा और राजा के साथ सारे उनकी टीम सब चालू हो गए उधर, और मध्वाचार्य अपने लोगों को लेकर देखते देखते कुछ समय के बाद वहां से वो निकल कर चले जाते सबको गुमराह कर देते, और फिर आगे आगे जैसा जाते एक समय के बाद एक जो गैंगस्टर जो गुंडे होते हैं वो मिलकर मध्वाचार्य और अपने शिष्यों को वहां पर आक्रमण करने के लिए आते हैं, इनके पास कोई लक्ष्मी होगा पैसा होगा तो इनसे लूटेंगे
उस हिसाब से वो वहां पर आते हैं। मध्वाचार्य अपने कपड़े को लेकर कुछ तो ऐसा घुमाते हैं और वो सबको एक सोने का एक बॉल के समान ऐसा सामने दर्शन होता है। वो सब लोग आकर्षित हो जाते हैं, बाप रे इनके पास इतना बड़ा एक सोने का बॉल है वहां पर। तो उसके पीछे वो सब लोग भागने लगते हैं। उस समय पर मध्वाचार्य अपने सारे शिष्यों को लेकर वहां से निकल जाते हैं। जो एक बॉल की तरह, सोने का बॉल की तरह एक वो इमेज वहां पर वो क्रिएट करते हैं और उसी आगे आगे चले जाते हैं। फिर कुछ दूरी में जाने के बाद और एक बार वैसे ही एक आक्रमण सारे गुंडे लोग मिलकर जो मध्वाचार्य के ऊपर करते हैं। उस समय पर मध्वाचार्य के साथ जो शिष्य होते हैं, उपेंद्र तीर्थ करके उनका नाम, मध्वाचार्य केवल ग्लैंस करते उनके शिष्य के ऊपर और उनको शक्ति से पूरा उनको चार्जिंग कर देते, और वो शिष्य के अंदर इतना शक्ति मध्वाचार्य प्रदान करते हैं कि वो अकेले ही सारे जो गुंडे लोग हैं उनको पूरा वो मार देता है मध्वाचार्य की शक्ति के। और फिर आगे आगे चलते चलते वो किसी तरह दूसरी बार अपने गुरु जो व्यासदेव होते हैं उनके आश्रम में वो पहुंच जाते हैं। और व्यासदेव बहुत प्रसन्न होते हैं कि दूसरी बार शिष्य मध्वाचार्य वापस आए हैं उनको मिलने के लिए। तो इस समय पर व्यासदेव उनको शालिग्राम शिला भेंट स्वरूप देते हैं और व्यासदेव उनको बोलते हैं कि कृपया करके आप जो ये शालिग्राम शिला है इसकी प्रेम से आप सेवा पूजा कीजिए। तो वो शालिग्राम शिला को लेकर वापिस उडुपी कृष्ण वो मंदिर में वहां पर रखते हैं और आज भी वो शालिग्राम शिला का पूरा पूजा इत्यादि वो चल रहा है। तो वहां पर मिलने के बाद फिर एक दिन जब मध्वाचार्य वापिस से आते हैं तो एक जगह पर वो खोदते हैं। सारे शिष्य देख रहे हैं गुरुदेव क्या खोद रहे हैं क्या खोद रहे हैं। और खोदते खोद के फिर जो गदा है जो भीमसेन के रूप में पिछले युग में द्वापर युग में जो गदा उन्होंने एक जगह पर छुपा के रखा होता है वो गदे को निकालते हैं बाहर। बोलते ये गदे से मैंने युद्ध किया था और अलग अलग इनको मारा था। तो वो गदा को उसको निकालते हैं ढूंढ के ऐसा करके वो उसके बाद फिर आगे का जो भी जीवन भर वो पूरा सब जगह पर भारत के चारों दिशाओं में घूम कर भगवान का खंडन करते हैं। कोई भी उनके सामने आकर डिबेट नहीं कर सकता था इतना उनका शक्ति था कि उनके सामने आकर कोई भी डिबेट करने के लिए खड़ा नहीं होता था। सबको वो डिफीट कर देते थे इतने शक्तिशाली थे। और एक दिन एक शिष्य ने देखा कि मध्वाचार्य रोज एक रूम में जाकर और वो दरवाजे में लॉक कर देते थे। तो शिष्य सोच रहा था कि मुझे देख रहा है कि गुरुदेव वहां पर जाकर सीक्रेट उनका मिशन क्या है। तो वो जाकर एक दिन रूम में देखे थे तो उस समय पर उन्होंने देखा कि मध्वाचार्य और साथ में जो भीम और साथ में हनुमान ये तीन रूप में हनुमान जी प्रभु रामचंद्र की सेवा पूजा कर रहे, भीम से भगवान कृष्ण की और मध्वाचार्य श्रील व्यासदेव की पूजा कर रहे। तो मध्वाचार्य अपने रूम में वहां पर जाकर भीम और भीम के रूप में और हनुमान जी के रूप में विस्तारित होकर अपने पूजनीय देवताओं को उनकी पूजा कर रहे थे। तो ये शिष्य ने जब देखा वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो मध्वाचार्य बताते हैं कि 79 79 उम्र के जब थे वहां पर अनंतेश्वर मंदिर करके वहां पर था। तो मंदिर में वो प्रवचन दे रहे थे भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे थे और उस समय पर ऊपर से देवताओं ने फूल बरसाया और फूल बरसाया 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 पूरा फूल से उनको ढक दिया। और उसके बाद उन्होंने उसी समय पर भगवान का कथा करते करते फूल से उनको ढका। तभी उस समय पर उन्होंने ये
शरीर को यहाँ से उन्होंने छोड़ दिया और भगवत धाम गए। और उसके बाद उनके शिष्य को बहुत ही बुरा लगने लगा, सबने देखा कि गुरुदेव कहाँ चले गए। उन्होंने बहुत सारे शिष्यों को दीक्षा दिया था और बहुत सारी मुख्य शिक्षाएं अपने गुरु को देकर रखे, और मुख्य रूप से उन्होंने जो डीटी वर्शिप का जो प्रिंसिपल है, दो चीज के ऊपर उन्होंने फोकस किया था, डीटी वर्शिप और मायावाद का खंडन। तो आज भी बता गए कि जो मध्वाचार्य ने जो स्टैंडर्ड स्टार्ट किया था डीटी वर्शिप का, वो शुद्धता 750-800 साल के बाद भी अभी भी वो जो हाई स्टैंडर्ड है डीटी वर्शिप का, वही शुद्धता के साथ आज भी वहां पर मेंटेन हो रहा है। इतना आसान नहीं है 800 साल तक एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, मतलब बहुत कठिन है, लेकिन आज के दिन भी वो मेंटेन किया जा रहा है वहां पर। इसीलिए बहुत विशेषता है। और मायावाद का खंडन का तो हम जानते ही है, आज भी उड़पी वहां पर सब लोग शास्त्र का अध्ययन बड़े गौर से करते हैं। जो भी मायावाद मध्वाचार्य जी ने जो शिक्षाएं लिखाई है लिखी है, उनके सारे अनुयायी जो होते हैं, खासकर जो सन्यासी वहां पर होते हैं, सवेरे के समय पर तकरीबन 5 से 6 घंटा और या सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक कम से कम उनका ड्यूटी वर्कशीट कंटिन्यूस चलते रहते हैं। और उसके बाद फिर कुछ खाने के बाद फिर वो शास्त्र का अध्ययन, तो ये दो चीज पे ही उनका पूरा दिनचर्या उसके ऊपर अराउंड सेंटर्ड रहता है। तो वो परंपरा आज भी चलते आ रही है। ऐसे हम देखते हैं मध्वाचार्य जो एक महान वैष्णव आचार्य, जो भीमसेन के ही अवतार थे, जो इस धरती पर 750 साल पहले आकर वैष्णविज्म को एक उन्होंने एक पुश दिया, आगे चलाकर लेकर गए। और फिर हम जानते हैं फिर चैतन्य महाप्रभु भी आए, उन्होंने भी शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। और फिर आगे चलते चलते चैतन्य महाप्रभु के बाद और अलग अलग षड गोस्वामी आए, उन्होंने शुद्ध भक्ति के ऊपर किताबें लिखी। उसके बाद फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री बलदेव विद्याभूषण, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौरकृष्ण बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत ठाकुर और श्री प्रभुपाद। तो एक बार एक प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने कहा कि आपका जो भगवद गीता है उसका जो कमेंट्री है एग्जैक्ट मध्वाचार्य के जैसे ही मिलता है, आपने क्या किया है, आपने तो केवल कॉपी किया है। उस व्यक्ति को लगा कि वो प्रभुपाद को गलती पॉइंट आउट कर रहे हैं कि प्रभुपाद ने अपना किताब जो है केवल मध्वाचार्य से कॉपी किया है, नया किया है। कि प्रभुपाद ने जब सुना, प्रभुपाद बहुत संतुष्ट हो गए, प्रभुपाद बोले थैंक यू, अगर ये मेरे लिए एक्चुअली क्रेडिट है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि मेरा जो किताब है मध्वाचार्य के साथ इन लाइन है, सुन के बहुत अच्छा लगा। ऐसा करके प्रभुपाद जी ने अलग अलग टीकाओं को देखा है, तो मध्वाचार्य ने भी गीता के ऊपर टीका लिखा है, उसको भी प्रभुपाद ने रिफर किया था और उसके आधार पर भी प्रभुपाद ने अपना भगवद गीता को लिखा है। तो हम देखते हैं कि हम बहुत ही भाग्यशाली है कि ऐसे महान वैष्णव आचार्य की परंपरा में हम लोगों को शिक्षाएं मिल रही है और हमें सीखने को मिल रहा है उनसे, सुनने का, उनके जीवन के बारे में समझने का हमें अवसर मिल रहा है। तो हम सीख सकते हैं कि जो भी आचार्य ने अपने जीवन में दिया है उसको हम लोग स्वीकार कर सकते हैं। जो आचार्य ने विशेष करके डीटी वर्शिप के बारे में एक स्टैंडर्ड सेट किया, प्रभुपाद भी बताते थे, खासकर गृहस्थों के लिए अर्चक विग्रह की सेवा करना। अर्चक विग्रह जब घर पे होते हैं तो घर की चेतना में अहम और ममा चला जाता है कि ये मेरा घर नहीं है, ये भगवान गौर निताय का घर है, ये भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का घर है,
ये गोपाल जी का घर है, ये राधा कृष्ण का घर है। तो चेतना धीरे धीरे अहम और मम से भगवान कृष्ण को हम सेंटर में रखते हैं। तो ये अर्च विग्रह का जो इम्पोर्टेंस प्रभुपाद ने बताया, विशेष करके हमेशा सब चीज भगवान को सेंटर में रख के कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं, ये उनका घर है, उनके लिए कैसे हम नया ड्रेस बना सकते हैं, उनके लिए कैसे हम ज्वेलरी बना सकते हैं, उनके लिए कैसे हम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो चेतना में अपने आप परिवर्तन होता है जब अर्च विग्रह घर में आते हुए, वो एक चीज है। और शुद्ध भक्ति का जो सिद्धांत है उसके बारे में तो हम पढ़ते ही आते हैं, बार बार चर्चा करते हैं, जो भक्ति की शिक्षा है सुनते हैं, जो परिभाषा है अन्य अभिलाषा, ये कोई अभिलाषा के बिना ज्ञान कर्मादि अनावरण, ज्ञान कर्म से भी आवरण नहीं होना चाहिए, अनुकूलन अनुकूल भावना से कृष्ण अनुशीलन कंटिन्यूस सेवा आचार्य के पद चिन्हों पर चलकर उत्तम भक्ति उत्तम। तो ये वास्तव उत्तम भक्ति की व्याख्या है जो ये महान वैष्णव आचार्य हमको देते हैं और अपनी शिक्षाओं से और अपनी जीवन शैली से हमें सिखाते हैं। जब इनका हम पालन करते हैं तो वास्तव में हम अपने अल्टीमेट गोल प्रेमा पुमार्तो महान उसको हम लोग पा सकते हैं। जय श्रील मध्वाचार्य की जय, श्रील उडुपी कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमा हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कोई भक्त कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या प्रभु जी से बात करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। इफ एनीबडी प्रभु जी, आई जस्ट मिस्ड आउट ऑन वन थिंग। आपने बोला था कि माधवाचार्य जी ने दो चीजों का ये क्या था, वन वाज डीटी वर्शिप एंड द अदर वाज मायावादी खंडन, रेफ्यूटेशन ऑफ मायावाद। सुना आ रहा है आवाज? हाँ प्रभु जी आया, थैंक यू। मायावाद का खंडन मेनली, हम और भगवान एक नहीं है, हम और भगवान अलग है। इसलिए मध्वाचार्य का आप कोई भी फोटो देखेंगे तो हमेशा ऐसा टू ऐसा रहेगा, ऐसा जी प्रभु उनका डेफिनेशन। थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा। एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग, कोई कुछ बोलना चाहता है प्रभु जी को या प्रभु जी को धन्यवाद बोलना चाहेंगे? हरी गोपाल प्रभु, हरे कृष्णा, हरी बोल। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास रहा। थैंक यू। मेरा एक चीज मिस आउट हो गया, जब भी आपको बता रहे थे ना मध्वाचार्य जी के गुरु महाराज, उनका नाम थोड़ा मिस आउट हो गया, तो एक बार नाम बता दीजिए ना उनका। अच्युत, अच्युत प्रेक्षक, अच्युत प्रेक्षक, ओके, अच्युत प्रेक्षक करके। थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है या प्रभु जी से बात करना चाहते हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। I think we are good for today. मेरे ख्याल से अभी और कोई प्रश्न नहीं है, तो हम सब लोग जो है
मिल के हृदय पूर्ण भाव से प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हमारे परंपरागत तौर से 3 बार जोर के हरि बोल बोल के सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं अभी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू। सो वी लॉग ऑफ फॉर टुडे। हम आज के लिए यहीं पे संस्कृति कार्यक्रम का समापन करेंगे और अगले बार का मैसेज सभी को मिल जाएगा, तो हम फिर से प्रभु जी के द्वारा जो है सुंदर कथा को सुनेंगे इसी इच्छा के साथ और इसी प्रेम भाव के साथ जो है हम का धन्यवाद करेंगे। वंचा कल्प त्रुभिश्च कृपा सिंधुभे वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।